हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम अफगानी पुलाव बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और मैं ये अपनी दादी से बहुत दिनों से कह रही हूँ बनाने के लिए। तो आज दादी बना रही हैं, और हमने यहाँ पर गोश्त को गला लिया है, और यहाँ तो अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 किलो गोश्त लिया है, और हमने इसे अच्छे से धुल लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। अफगानी पुलाव में ज़्यादा मसाले नहीं डलते, मगर यहाँ पर कुछ इतने मसाले मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास धनिया, सौंफ, इलायची, ज़ीरा, लौंग, सिनेमन है, स्टार फूल और तेज़पत्ता है, और ये बड़ी इलायची है। तो अब हम जो हमारे गोश्त है उसको इस कुकर के अंदर डाल लेंगे, और अब हम इसमें अपने मसाले सारे डाल लेंगे जो जो हमने आपको दिखाए थे। तो ये पोटली में जितने भी हमने मसाले आपको दिखाए, ये पोटली में डलते हैं, मगर अभी हम लोग इसे बाद में जो सारे मसाले उसे छान लेंगे, तो इसलिए अभी हमने इसको पोटली में नहीं किया। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन डाल दिया है, और इसमें अदरक भी नहीं पड़ती है, सिर्फ लहसुन पड़ती है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच। तो अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि ये वाले जो पुलाव है इसमें गोश्त गला हुआ होता है तो अच्छा लगता है वो, तो इसलिए हम 1 लीटर इसमें पानी डाल देंगे। तो अब हमें इसे धीमी फ्लेम में रखकर अब हमें इसमें 6-7 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे कि गोश्त गल जाए, इसलिए तो हमने इसकी ऊपर का ढक्कन लगा के इसे और धीमी फ्लेम में कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर चने हैं, मेरे पास 1 किलो गोश्त था तो मैंने 100 ग्राम चने लिए हैं, काबुली चना लिया है मैंने सफ़ेद वाला। तो अफगानी पुलाव में ये वाले चने अच्छे लगते हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। हम लोग 2 सीटी के हिसाब से पानी डाल दिया, और अब हम लोग इसको ढककर के 2 सीटी लगा देंगे। यहाँ पर मेरी अखनी कितने अच्छे तरीके से बन चुकी है, सारी बोटियाँ अच्छे से गल गई हैं, देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गई हैं। इस वाले पुलाव में ऐसी गलती हैं बोटियाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे चने भी हो गए हैं। तो अब हम इस वाले पैन में तेल डाल देंगे, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉप की हुई गाजर है उसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी लंबी है, वैसे ही काटनी चावलों में बहुत अच्छी लगती है। इसमें ब्लैक बेरी डाल दी है, ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, इसकी जान है ये, इसमें तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे, ताकि ये जो गाजर है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, हल्की सी गल जाए। सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना गोश्त यहाँ पर निकाल लिया है, और यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मेरी गाजर और ब्लूबेरीज भी हो गई हैं अच्छे से सॉफ्ट। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, मेरी ब्लैकबेरीज हैं थोड़ी सी मीठी, गाजर भी, मगर फिर भी हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे ताकि थोड़ा और अच्छा टेस्ट हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, हमारे बोटी इसे ऐसे ही रख देंगे, हम इसे ऐसे करने के लिए रख देंगे, और इसके पास अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और तो अब हम इसमें चने भी डाल देंगे जो हमने गलाए थे पानी में, साबुनी चने ये इसे डाल देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे। इससे मेरी यखनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, और इसमें हमने 1 नली भी डाल दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो अखनी वाला पानी है वो अच्छे से उबाल आ चुके हैं उसमें, अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अच्छे मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी बन चुकी है, इतना अच्छा लग रहा है देखने में, और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आप देख सकते हैं, और इतने अच्छे पीस भी हमारे ऊपर से गाजर के टेस्ट लगी है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।